हेलो यू के जी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट इंग्लिश दिस इज़ चैप्टर नंबर सेवन इट्स लेक्चर नंबर एट टूडेज वी विल नो अबाउट यूज ऑफ दीज दोज आज हम पढ़ेंगे दीज दोज फर्स्ट वी विल रिवाइज प्रीवियस लेक्चर आफ्टर दैट वी विल डू टूडेज वर्क नाउ रिवाइज इट्स वर्ड मीनिंग्स शब्द अर्थ वर्ड्स मीनिंग्स लर्न करेंगे आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे ये ओके नाउ रिवाइज जी टी एच ई एस ई दीज दीज मीन्स ये टी एच ओ एस ई दोज दोज मीन्स वे टी एच आई एस दिस दिस मीन्स यह है टी एच ए टी दैट दैट मीन्स वह है ए आर इ आर आर मीन्स है आई एस इज इज मींस है ए ए मीन्स एक ए एन 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 मीन्स एक ओके नाव ओपन योर न्यू पेज नाव स्टार्ट योर वर्क राइट डाउन हेयर डी Focus on your writing, everyone. D A T E. Date. Write down date here. Write down here C dot W. C dot W. It means class work. Okay? And write down here day. Write down D A Y D. After that, write down here U S E U, J, o, टॉपिक दीज दोज आज हमारा एक नया टॉपिक है दीज दोज तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे चले नाउ आपकी बुक्स में एक एक्सरसाइज एक है पहले हम उसमें रीड करेंगे ये आपकी बुक्स में दीज एंड एक्सरसाइज दीज इज यूज व्हेन दी ऑब्जेक्ट आर नियर टू अस जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे हम दीज़ यूज करते हैं और दोज इज यूज व्हेन दी ऑब्जेक्ट्स आर फ्रॉम फार फ्रॉम अस जो ऑब्जेक्ट्स आपसे दूर होते हैं और मैनी होते हैं ज़्यादा होते हैं तो वो उसके लिए हम दोज यूज करते हैं ठीक है बेटा जो आपके पास है नियर है और एक से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे दीज और जो आपसे दूर हैं फार हैं तो एक से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर हम दो यूज करते हैं जैसे कि इस गर्ल्स को देखिए ये गर्ल्स के पास ये बहुत सारे पेन हैं तो इसके लिए उन्होंने दीज आर पेंस ठीक है मैनी हैं तो आपको मैम ने सिखा था ना वन और मैनी पेन पेन्स अगर मैनी पिक्चर है तो वहाँ पे ऐसा लगाते हैं पेन्स दीज आर पैंस ऐसे ये देखिए इस सेल्फ में बहुत सारी बुक्स रखी है लेकिन इस गर्ल्स से बहुत दूर है तो दोज आर बुक्स ओके नाउ ऐसे ही देखिए बॉयज़ बॉयज़ के पास ये बहुत सारी हैंस हैं तो डीज आर हैंस और ये काउ बॉयज से दूर है तो बॉयज़ बोला दो आर काउस तो ऐसे ही आपके पास जो थिंग्स हैं एक से ज़्यादा नियर है तो उसके लिए आप दीज यूज करेंगे और एक से ज़्यादा हैं और दूर हैं तो उसके लिए आप दो यूज करेंगे तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे ये देखिए बेटा, बेटा मैं यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज करके दिखाती हूँ जैसे कि आपके पास ये वन पिन है ये नियर है आपके नियर है ना तो आपने इसके लिए क्या यूज किया था दिस क्या यूज किया था आपने इसके लिए दिस ऐसे ही आपके पास ये टू पिन हैं ठीक है दिके? तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे दीज क्या यूज करेंगे हम these नियर है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट तो उसके लिए हम दीज़ यूज़ करेंगे ऐसे ही अगर ये पिन आपसे दूर है सिंगल है तो इसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं और अगर यही पिन आपसे दूर है लेकिन एक से ज़्यादा हैं मैनी हैं तो हम दो यूज़ करेंगे टी एच ओ एस ई तो हम उसके लिए हम दोज यूज़ करेंगे आपको समझ आया सिंगल पिक्चर है नियर है तो दिस अगर सिंगल से ज़्यादा है मैनी पिक्चर्स हैं और नियर है आपके पास तो दिस ऐसे ही आपसे दूर है सिंगल पिक्चर है सिंगल ऑब्जेक्ट है आपके पास तो दैट और मैनी ऑब्जेक्ट है आपके पास तो दोज आपसे फार है दूर है ओके बेटा चलिए नाउ स्टार्ट योर वर्क ये पिंस आपके पास हैं तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा दीज टी एच ई साथ हम आर यूज करेंगे दीजार ए आर ई -E आर पिंस पी आई एन एस ऐसे हमने क्यों लगाया बेटा क्योंकि ये मेनी ऑब्जेक्ट है दीजार पिंस दीजार पिंस ऐसे ही नेक्स्ट अगर आपसे ये पिन दूर हो जाते हैं बेटा ये एक से ज़्यादा तीन चार कितने भी हो सकते हैं वन टू वन नहीं हो सकता टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मैं नहीं हो सकते कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं आपके पास उसके लिए आपको अब ये आपसे दूर हैं थ्री पिन्स हैं तो आपसे दूर हैं तो हम क्या यूज करेंगे दो तो राइट डाइमर टी एच ओ एस दोज ए आर ई आर दो हजार पिंस दो हजार पिंस दो हजार पिंस ओके अब यहाँ पे ये मैंने बनाई है बोल्स वन बोल टू थ्री तो ये बोल हमारे नियर है पास में हैं तुम क्या और एक से ज़्यादा भी हैं तुम क्या यूज करेंगे दीज टी एच ई एस ई दीज ए आर ई आर दीज आर बॉल्स बी ए डबल एल और बेटा ये मैनी बॉल्स हैं तो एस जरूर आएगा बॉल्स दीज आर बॉल्स मैनी बॉल हैं तो इसके एस लगा है बॉल्स बी ए डबल एल एस बॉल्स ऐसे ही ये यह यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर तो ये बॉल्स हमसे दूर हैं तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे दोज टी एच ओ एस ई दोज आर ए आर ई आर डीज दो दोज के साथ हम आर का यूज करते हैं दोज आर बोल्स बी ए डबल एल एस बोल्स दोज आर बोल्स दोज आर बॉल्स नेक्स्ट तो ये मैट्स हैं तो क्या यूज होगा हमारे नियर है दीज टी थी एच ई एस ई दीज आर ए आर ई आर दीज आर मैट्स एम ए टी एस मैट्स दीज आर मैट्स ओके राइट डाउन नियर एच dot w dash rewrite r e w r i t e rewrite the c dot w how many times two times कितनी बार करना है आपको ये दो बार टू टाइम्स ओके वंस अगेन वी विल रिवाइज दिस लेक्चर एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे टुडे इज न्यू टॉपिक दिज दो दीज इज यूज वैन दी ऑब्जेक्ट आर नीयर टू अस जो ऑब्जेक्ट आपके पास होते हैं वहाँ पे हम दीज यूज करते हैं दोज इज यूज वैन दी ऑब्जेक्ट आर फार फ्रॉम अस जो ऑब्जेक्ट आपसे दूर हैं उनके लिए हम दोज यूज करेंगे देखिए जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं आपके पास तो ये पिन है ये पिंस आपके, आपके पास हैं पिन्स आपके पास हैं तो दीज आर पिंस ऐसे ही ये पिंस आपसे दूर है तो दोज आर पिंस दीज आर बॉल्स ये बॉल आपके नियर है पास में है और ये वाली बॉल्स आपसे दूर है फार है तो दोज आर बॉल्स ऐसे ही ये मैट्स आपके पास हैं नियर है तो दीज आर मैथ्स बेटा आपको इस टॉपिक पे फोकस करना है थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है तो आपको ये समझ आ जाएगा ओके नाउ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैट इज इट दिस लेक्चर गुड बाय